अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, मौजागिर में साथ हैं जैसे हमजा और आलमगीर, और आप देख रहे हैं हमारे चैनल पाकिस्तान रिएक्ट्स। सो गाइस, आज हम बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आए हैं। ये है इंडियन स्पेशल फोर्सेस न्यू मेजर वेपन्स, जो कि इंडिया की न्यू मेजर वेपन्स। अब हमें वैसे भी बड़ा इंटरेस्ट है इन वेपन्स को देखने का, क्योंकि इसमें स्कारल का थंबनेल में स्कारल भी है, देखते हैं वाकई स्कारल अंदर है या नहीं है। पबजी खेलते हैं तो इसलिए हमें इंटरेस्ट आ गया। जहां भी कोई वेपन लेके जाते हैं वो देखते हैं कौन सी गन है, इसलिए देखेंगे। लेकिन हम हमेशा गलत होते हैं, वो वेपन नहीं होती जो पबजी में होती है। अब देखते हैं इसमें कोई ऐसी गन है या नहीं है। लेट्स स्टार्ट। सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। स्वागत है आपका डिफेंस की आंसर इसके फ्रेश एपिसोड में। आप सभी को ध्यान होगा कि डिफेंस अपडेट में हमने आपको जानकारी दी थी कि जो इंडियन आर्मी के स्पेशल फोर्सेस हैं उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले स्मॉल आर्म्स में कुछ बड़े अपग्रेड किए जाएंगे, जिसके तहत स्पेशल फोर्सेस को कुछ नए असॉल्ट राइफल्स और कुछ नए इक्विपमेंट्स के साथ लैस किया जाएगा। तो आज के एपिसोड में हम इंडियन आर्मी के बारे में बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। तो जो ये अपग्रेड किए जा रहे हैं ये इंडियन आर्मी के इन्फेंट्री मॉडर्नाइजेशन प्लान का हिस्सा है, और जिस हिसाब से चीन और पाकिस्तान के साथ लगी सीमाओं पर हालात बन रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए फिलहाल इस समय के अपग्रेड की काफी जरूरत है। अगर इन अपग्रेड में स्वदेशीकरण ज्यादा शामिल होता तो ये ज्यादा अच्छी बात होती, लेकिन फिलहाल इस अपग्रेड में ऐसा कोई खास स्वदेशीकरण देखने को नहीं मिल रहा है। तो इन मेजर अपग्रेड में जो सबसे पहली चीज है वो है बेल्जियम यूएस ओरिजिन की FNSCAR नाम की गैस ऑपरेटेड असॉल्ट और बैटल राइफल, जिनमें स्कारल असॉल्ट राइफल और स्कारएच बैटल राइफल आती है। और बता दें कि असॉल्ट राइफल और बैटल राइफल में फर्क होता है। असॉल्ट राइफल में वो राइफल्स आती हैं जिनमें सिलेक्टिव फायरिंग मोड मिलता है और जो डिटैचेबल मैगजीन और इंटरमीडिएट कार्ट्रिज का इस्तेमाल करती हैं, जैसे कि AK-47 या फिर M16 राइफल। सिलेक्टिव फायरिंग मोड का मतलब है कि आप राइफल को बस मोड, सिंगल मोड या फुली ऑटोमेटिक मोड में भी फायर कर सकते हैं। और वहीं बैटल राइफल्स की तुलना में उन राइफल्स को रखा जाता है जो पावर के मामले में असॉल्ट राइफल्स से आगे होती है, यानी कि वे फुल पावर्ड राइफल कार्ट्रिज को फायर करने में सक्षम होती है। हालांकि पहले इस बैटल राइफल टर्म का इस्तेमाल जो पुरानी मिलिट्री फुल पावर्ड वाली सेमी ऑटोमेटिक राइफल्स होती थी उनको डिस्क्राइब करने के लिए भी किया जाता था, लेकिन फिर जैसे जैसे राइफल्स में मॉडिफिकेशंस होते गए तो इनके बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए बैटल राइफल और असॉल्ट राइफल दो अलग अलग कैटेगरीज बनाई गई। और इसलिए इस अपग्रेड में जिन FNSCAR राइफल्स की बात की गई है उसमें भी दो अलग अलग तरह की राइफल्स हैं। एक स्कारल जो की 5.56x45mm की असॉल्ट राइफल है, और दूसरी है स्कारएच जो की 7.62x51mm की बैटल राइफल है। हालांकि ये दोनों ही राइफल्स भारत के अलग अलग स्पेशल फोर्सेज RSF, मार्कोस, SFF या फिर एनएसजी कमांडोज द्वारा भी इस्तेमाल की जाती है। और जो स्टैंडर्ड स्कारल असॉल्ट राइफल है उसकी इफेक्टिव फायरिंग रेंज 700 मीटर तक है, और वहीं स्कारएच की 800 मीटर तक। इसके बाद इस अपग्रेड में शामिल है MK-48 लाइट मशीन गन, और ये भी बेल्जियम और यूएस ओरिजिन की 7.62x51mm कार्ट्रिज वाली लाइट वेट बेल्ट बैट मशीन गन है। और वर्तमान समय में इसका इस्तेमाल यूएस के स्पेशल ऑपरेशंस कमांड द्वारा किया जाता है। और ये जो लाइट मशीन गन है ये 710 राउंड्स पर मिनट के रेट से फायर कर सकती है, और जिसकी मैक्सिमम फायरिंग रेंज है वो 3600 मीटर तक है। इसके बाद इस अपग्रेड में शामिल है 0.50 कैलिबर की ब्राउनिंग हैवी मशीन गन, और ये यूएस ओरिजिन का वेपन है। हालांकि अलग अलग वेरिएंट्स में आती है जैसे कि M2HB, M2 और M3, और ये वेपन भी इंडियन मिलिट्री की सर्विस में ऑलरेडी मौजूद है लेकिन बहुत ही लिमिटेड नंबर्स में। और अब जरूरत को ध्यान में रखते हुए इसकी कुछ और यूनिट्स के लिए ऑर्डर दिए गए हैं। और जो ये M2HB वाला वेरिएंट है ये 450 से 600 राउंड पर मिनट के रेट से फायर कर सकता है, और जो इसकी मैक्सिमम फायरिंग रेंज है वो 7400 मीटर तक है, और जबकि इसकी इफेक्टिव फायरिंग रेंज 1800 मीटर है। और इसमें 0.50 कैलिबर यानी कि करीब 12.7x99mm की कार्ट्रिज लगती है। और ये एक ऐसा वेपन है जिसकी शुरुआत वर्ल्ड वॉर 1 से हुई थी, यानी कि ये वेपन 1933 से ही सर्विस में मौजूद है, और इसे कई सारे युद्धों में कई बार इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद इस अपग्रेड में शामिल है बैरे M107 स्नाइपर राइफल, जो कि एक रिकॉइल ऑपरेटेड सेमी ऑटोमेटिक एंटी मटेरियल स्नाइपर राइफल है, और ये भी एक यूएस ओरिजिन का ही वेपन है, और 1989 से सर्विस में मौजूद है, और इसे भी कई सारे युद्धों में इस्तेमाल किया गया है। और इसमें भी 0.50 कैलिबर यानी कि 12.7x99mm की एम्यूनिशन इस्तेमाल होती है, और इसकी जो इफेक्टिव फायरिंग रेंज है वो 1800 मीटर तक है। बाकी जो इसका एम्यूनिशन सिस्टम है उसमें 5 से 10 राउंड वाली डिटेचेबल बॉक्स मैगजीन आती है। हालांकि ये जो स्नाइपर राइफल है ये भी ऑलरेडी पैरा स्पेशल फोर्सेस के साथ साथ मुंबई पुलिस के फोर्स 1 कमांडोज द्वारा भी इस्तेमाल की जाती है। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो इन मेजर अपग्रेड्स में वही चीजें शामिल हैं जो स्पेशल फोर्सेस ऑलरेडी इस्तेमाल कर रही हैं, बस इनके एडिशनल ऑर्डर्स देके इनकी संख्या को बढ़ाया जा रहा है। और इसके साथ साथ इस अपग्रेड में हेलमेट माउंटेड नाइट विजन डिवाइसेज के साथ साथ कॉम्बैट पैराशूट
शूट भी शामिल है और इस मॉडर्नाइजेशन प्लान के तहत इंडियन आर्मी अपने सोल्जर्स को स्विस आर्मी नाइफ के देसी वर्जन यानी कि स्वदेशी तौर पर विकसित किए गए वर्जन से इक्विप करने की योजना बना रही है। स्विस आर्मी नाइफ नाइफ होने के साथ साथ एक ऐसा मार्केट होता है जिसमें कई अलग अलग तरह के जरूरी टूल्स जैसे कि स्क्रू ड्राइवर्स, कैन ओपनर, वायर कटर और डेटोनेटर क्रिम्पर जैसे टूल्स रेडी है और इंडियन आर्मी अपने सोल्जर्स को जिस स्वदेशी स्विस आर्मी नाइफ से इक्विप करने की योजना बना रही है उसमें इन सभी टूल्स के साथ साथ एक ऐसी ब्लेड भी होगी जिसका इस्तेमाल क्लोज क्वार्टर हैंड टू हैंड फाइट में डैगर के तौर पर किया जा सकेगा और इस तरह के जो नाइफ्स होते हैं वे -20 से लेकर 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक के टेम्परेचर में फंक्शन कर सकते हैं और इंडियन आर्मी अपने ट्रूप्स को इसी तरह के और भी मल्टीपर्पज सर्वाइवल किट से भी इक्विप करने की योजना बना रही है जिसके बारे में हमने आपको ऑलरेडी अपने डिफेंस अपडेट में बताया है और ये कदम खास तौर पर गलवान घाटी वाले उस हिंसक झड़प को देख के भी उठाया जा रहा होगा जिसमें दोनों देशों के सैनिकों के बीच एक हैंड टू हैंड कॉम्बैट हुई थी और जो कि चीनी सैनिक जो कि पहले से इसके लिए तैयार थे और उन्होंने घात लगाकर इंडियन सोल्जर्स पर हमला किया था और इस हमले में उन्होंने नुकीले कांटों वाली लोहे की रॉड भी इस्तेमाल की थी और जबकि हमारे सोल्जर्स ने ये कॉम्बैट या तो पत्थर से या फिर अपने हाथों से लड़ी थी। तो ऐसे में अगर सोल्जर्स को इस तरह के सर्वाइवल किट से इक्विप किया जाता है जिसमें इस तरह के स्विस आर्मी नाइफ भी मौजूद है तो इस तरह की क्लोज क्वार्टर हैंड टू हैंड कॉम्बैट में काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है। सो गाइस काफी अच्छे अच्छे वेपन्स थे और लास्ट में जो मैंने देखे ना वो क्लोज फाइट वाला वो भी काफी अच्छा था कि वाल का था जो कि सोल्जर्स के पास होनी चाहिए ऐसी चीजें जैसा उनके साथ हुआ था लास्ट टाइम चाइना में जो उनके पास रॉड थे इंडियन सोल्जर्स के पास सिर्फ पत्थर थे बेचारे क्या क्या कर सकते थे। सो गाइस ये काफी अच्छी वेपन्स थी इनमें जो देखी वाली थी वो स्कारल थी। अच्छा स्कारल है कौन सी है जिसमें 5.5 का एमओ लगता है और स्टार एच में 7.62 का लगता है बाकी हाँ 7.762 हाँ। अच्छा ये सिर्फ दो ही यही दो बुलेट्स यूज होती हैं मोस्टली गन्स में ऐसी तो होगा यार ऐसी तो होगा और भी हैं वैसे 5 स्नाइपर में दूसरी होती हैं हाँ के अलावा स्कारल के अलावा और मैंने कोई देखी है और मैंने सुना क्लोज रेंज में उजी बड़ी कमाल की ये गन देखे मुझे पबजी खेलने का दिल करने लग गया है बस सबर करो अभी पबजी बैन है पाकिस्तान में पबजी बैन है यार वीपीएन लगा के खेल सके लेंगे और वीपीएन लगा के सही चल भी नहीं रही चल नहीं रही ना सही बेटा मजा नहीं आ रहा वीपीएन लगा के कोई हल निकालना होगा बहुत हो गया कोई सर गाइस मोबाइल पे सही है मेरे पास बिल्कुल सही चल रही है हमारा 9/3 को फैसला है या तो परमानेंट बैन हो जाएगी या परमानेंट रहेगी। सो गाइस ये था आज का वीडियो आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा जरूर बताइए जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट करें और कमेंट करके हमें बताते रहें कि आपको कौन सा वीडियो देखना है हम आपको वीडियो का नाम लिंक भी दें और आप जो है ना नाम भी देंगे हम कीप वाचिंग पाकिस्तान रिएक्ट्स।